हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज है। एक्चुअली मुझे दो दिन से ही बहुत ज़्यादा लो एनर्जी महसूस हो रही थी और मैंने आप लोगों से शेयर भी की थी। कल रात में भी मैंने एक पोस्ट डाला था कि हमको अभी जो कोरोना वायरस के लिए जो चल रहा है, अभी महामारी चल रही है, हमको उसके लिए प्रे करना है बिकॉज वी आर ट्रांसोर्स एंड आवर मदर अर्थ रिक्वायर आवर एनर्जी। ठीक है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशंस करना है, मैनिफेस्टेशंस करना है। पूरे वर्ल्ड वाइड जो महामारी फैली हुई है, सब एक अनकंडीशनल लव स्प्रेड करना है, प्रे करना है। ये मैंने कल पोस्ट डाली थी। मुझे कल से ही कुछ ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही थी और मुझे अभी जाके यूनिवर्स से ऑर्डर मिला कि मुझे अब आपसे बात करनी है इस पे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ट्विन सोल्स हैं, ये मैसेज यूनिवर्स का है टोटली। मैं बिल्कुल बीच लंच में को छोड़ के यहाँ आकर वीडियो बना रही हूँ, बिल्कुल एकदम से मुझे डायरेक्शन मिला कि मुझे आपसे बात करनी है। देखिए, हम जानते हैं कि हम लोग ट्विन सोल्स हैं, वी आर स्पेशल सोल्स, वी आर मास्टर सोल्स, वी आर डिवाइन सोल्स। तो डेफिनेटली जो हम लोग की जो मेडिटेशन पावर होती है, ये नॉर्मल सोल से डिफरेंट होती है। और हम लोग इतने टाइम से मेडिटेशन करते आ रहे हैं, हम लोग एक डायमेंशन में पहुंच चुके हैं जहां हम लोग वी आर नाउ अ गुड मैनिफेस्टर्स। ठीक है, और अब यूनिवर्स आपसे ये कहलवा रहा है कि इस वक्त, जैसे कि हम अपने डीएम को मैनिफेस्ट करते हैं, हम डीएम को मिस करते हैं, डीएम के लिए प्रे करते हैं, डीएम के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, हम जो जिस भी उद्देश्य से जर्नी में चल रहे हैं, इस वक्त आप सबको टोटली कम्प्लीटली अपना फोकस सोसाइटी, इस जो वर्ल्ड वाइड महामारी फैली है, उस पर अपने फोकस को शिफ्ट करना है। इस वक्त हमको अब एक्चुअल टाइम आया है। हम लोग जो मैट्रिक्स को चेंज करने की बात करते हैं, जो मदर अर्थ की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने की बात करते हैं, मदर अर्थ को अपनी एनर्जी शेयर करने की बात करते हैं, हमारी हाफ ऑफ द एनर्जी मदर अर्थ को हम शेयर करते हैं ट्विन सोल्स, तो अब वो टाइम आया है व्हेन योर मदर अर्थ लिटरली रिक्वायर योर एनर्जी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 3 टाइम आप लोग प्लीज़ मेडिटेशन करिए। जो वर्ल्ड वाइड जो हमारी ये महामारी फैली हुई है, लोगों के इसके लिए प्रेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही जल्दी कोई हमारी इसके लिए वैक्सीन्स मेडिसिंस हम लोग को साइंटिस्ट लोगों को मिल जाए। एंड जल्दी से जल्दी ये जो, क्योंकि हमारे इंडिया में भी अब ये 3rd डिग्री उस पर स्टेज पर आ गया है, तो अब ये है कि ये ऑलरेडी आ गया है, अब ये हमारे कंट्री में लोकली भी स्प्रेड हो रहा है। तो इसके कारण से क्या हो रहा है कि क्योंकि अब तक हम लोग को हमारी एनर्जी लो इसलिए नहीं थी बिकॉज ये हमारी कंट्री से बाहर था, हम उतनी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे थे। अब क्योंकि बीइंग इंडियंस ये हमारी कंट्री में आ गया है और ऑलमोस्ट हर शहर में आ गया है लोकली भी, तो अब हर जगह की जो कहते हैं ना, हर जगह इसी सब लोग इसी शिफ्ट से गुजर रहे हैं, नेगेटिविटी की उससे गुजर रहे हैं। हर जगह नेगेटिविटी है, कोरोना वायरस, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको क्वारंटीन रिक्वायर्ड है, एवरीथिंग लाइक दिस। तो हर जगह नेगेटिविटी है। मैं तो खैर ज़्यादा फील कर रही हूँ बिकॉज बींग फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, हम लोग को तो दिन और रात इसी प्रकार के लोगों से, क्योंकि साथ में वायरल भी हो रहा है तो पेशेंट्स देखने पड़ रहे हैं और हम लोग टोटली इसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो मेरे को तो खैर ज़्यादा नेगेटिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है। बट क्योंकि मुझे हो रहा था तो मैंने आप लोगों से डिस्कस नहीं किया था इस पर, बट नाउ ये पोर्टल ही ऐसा हो गया है कि हर जगह नेगेटिविटी है और यूनिवर्स को आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, मदर अर्थ को आपकी एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, हर जगह इस वक्त नेगेटिविटी है और ट्विन सोल्स को नेगेटिविटी सब बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, तो हो सकता है कि आप लोग बिना किसी कारण के ही नेगेटिव फील कर रहे हो और आपको लग रहा हो कि आपके डीएम आपको याद कर रहा है या डीएम कैसा है। पहले सोसाइटी है,
यूनिवर्स कहता है पहले सोसाइटी है, डीएम बाद में है, क्योंकि वो तो आपके अंदर ही है। जब भी जब सोसाइटी को ज़रूरत होती है आपकी, तो ऑलवेज थिंक कि सोसाइटी फर्स्ट, ठीक है। डीएम तो आपके अंदर ही है, आप उसको अपने अंदर भी लव सेंड कर सकते हैं, बट इस वक्त सोसाइटी को आपकी ज़रूरत है, मदर अर्थ को आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग मेडिटेशन करिए, मोर जितना ज़्यादा आप प्रेयर कर सकते हैं उतना प्रेयर करिए, मैनिफेस्टेशन करिए कि जल्दी से जल्दी ये चीज़, ये महामारी टल जाए, ये स्टेज, ये थर्ड स्टेज भी निकल जाए। तो इस ये नेगेटिविटी इस वक्त हमारे फैली हुई है, जिससे हम लोगों को सबको मिलकर अब डील करना है। एंड वी आर ट्विन सोल्स फॉर बॉर्न फॉर दिस ओनली, वी आर बॉर्न टू स्प्रेड द अनकंडीशनल लव, राइट। तो पहले तो एक काम ये है। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज यूनिवर्स का ये है दोस्तों, कि जो आई डोंट नो यूनिवर्स ऐसा क्यों मैसेज मेरे थ्रू दिलवा रहा है, जैसे कि सपोज मैं भी जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ, आप लोग सब सुन रहे हो, आप सब, आप में से बहुत लोग, आई थिंक 50% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि हाँ चलिए थोड़ा टाइम पास हो रहा है, टाइम कट रहा है, सुन रहे हैं, थोड़ी सी हीलिंग मिल रही है, थोड़ा टाइम पास हो रहा है। मैं ये चीज़ सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बल्कि सारे कोचेस भी जो हैं जो गाइड कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ कि हम लोग जो बोल रहे हैं और आप लोग जो सुन रहे हैं, जो भी हम लोग गाइडेंस एक दूसरे से एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, वो हमको जेन्युइनली एब्जॉर्ब करना है। मतलब हम लोग जो सिखा रहे हैं वो हमको खुद को भी फॉलो करना है, और आप लोग जितना सीख रहे हैं उतना आपको फॉलो करना है, क्योंकि यूनिवर्स सबको देख रहा है। यू कांट डू चीटिंग, हम चीटिंग नहीं कर सकते। आई डोंट नो ऐसा यूनिवर्स ने क्यों मैसेज दिया है, बट यस ये आप लोगों के लिए है। आप अगर मेरा एक वीडियो सुनते हैं, उसका एक टॉपिक लेते हैं, उस एक टॉपिक को आपको एब्जॉर्ब करना है। अगर मैंने कहा कि आपको अपने जेलेसी के इशू से हील करना है, एंगर के इशू से हील करना है, तो वो आपको सिर्फ सुनना नहीं है, उसको आपको प्रैक्टिकली करना है। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो और नहीं कर रहे हो, मीन्स यू आर चीटिंग विद यूनिवर्स। यूनिवर्स सबको देख रहा है, या हम लोग कोई चीज़ गाइड कर रहे हैं तो हमको भी वैसा होना होगा। इफ़ आई एम गाइडिंग यू कि यू हैव टू बी प्योर सोल, तो आप हमको भी प्योर सोल होना होगा। ये मैसेज है, वी कांट चीट यूनिवर्स। ये दो मैसेज थे। चलिए अभी मैंने ये वीडियो लिया है, तो मैं एक दो क्वेश्चंस भी जो मेरे मेल्स में थे, एक तो राधा कृष्णा जी, आपने राधा कृष्णा ट्विन फ्लेम जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया था, मैम जेलेसी पे बताइए। देखिए आप अगर जेलस रखती हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए, मतलब आपको यूनिवर्स पे फेथ नहीं है, या आपको अपने डीएम पे फेथ नहीं है। सीधी सी बात है, आप खुद भी चैनल बनाते हो और आप बहुत अच्छे से जानते भी हो ये बात कि आपका काउंटर पार्ट आप जो का आपका हिस्सा है, और ये आपने नहीं क्रिएट किया है, ये हिस्सा यूनिवर्स ने बनाया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हमारा अपना मैन मेड क्रिएशन नहीं है। अगर हम ट्विन सोल हैं तो ये भी यूनिवर्स ने बनाया है, और जो काउंटर पार्ट है वो भी यूनिवर्स ने बनाया है हमारा। हमने अपने हाथ से चुना नहीं कि तुम मेरे डीएम होगे या तुम नहीं होगे, वो होगा लाइक दिस। तो जो गॉड ने बनाया है, मतलब वो हमारे अंदर ही है, मतलब वो हमारा ही है, मतलब हमको एक होना ही है। तो वो जेलेसी किस बात की, जाने दीजिए उसको थर्ड पार्टी में, उसको फेसबुक पे जिसको लाइक देना है देने दीजिए, जिसको कमेंट करना है करें दीजिए, जिसको यहाँ तक कि फिजिकल रिलेशन में भी चले जाते हैं डीएम लोग थर्ड पार्टी में। कुछ तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि डार्क फोर्सेस भी उनको प्रोवोक करती हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको एंजल प्रेयर सिखाया है अपने पिछले वीडियोस में, कि अगर आपका इस प्रकार से आपका डीएम करता है तो आप प्रेयर करिए, एंजल प्रेयर करिए, यूनिवर्स से प्रेयर करिए कि गोल्डन रेस का प्रोटेक्शन दिया जाए, अगर वो फिजिकली किसी से एक्टिव होते हैं तो। अदरवाइज ये जब तक आपकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, ये सेपरेशन इज़ अ प्रिपरेशन स्टेज, जब तक आप जितना टाइम लोगे तब तक यूनिवर्स को उसको कहीं एंगेज रखना होगा।
जब आप अपनी प्रिपरेशन को पूरा कर लोगे तब यूनिवर्स उसको थर्ड पार्टी से अलग कर देगा, चाहे वो ब्रेकअप हो जाएगा, चाहे वो हर्ट हो जाएगा, या कोई सोल शॉक दे देगा थर्ड पार्टी उसको, कोई ब्रेकअप कर देगा, कोई बुरी तरह से हर्ट कर देगा और आपका डीएम लौट के आ जाएगा। तो आपको गांठ बांध के रख लेना है कि आपका डीएम सिर्फ आपका है और वो आपको ही मिलने वाला है। वो कितना भी थर्ड पार्टी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जिस भी जितनी भी पार्टी में हो, वो आप लौट के आप ही को, आप ही के पास आएगा। और आप ही, अगर वो अभी थर्ड पार्टी में है, मतलब अभी आपका इनर वर्क पूरा नहीं हुआ है, आप प्रोसेस को डिले कर रहे हो। आप अपना प्रोसेस पूरा करते रहिए, आपका जब इनर वर्क पूरा हो जाएगा, प्लस डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग को मत भूलिए। आपने अपना इनर वर्क कर लिया, अब इनर वर्क क्या, इनर वर्क कब तक करने पे भी मैंने बोल चुकी हूँ कि इनर वर्क तो आपको अपनी आखिरी सांस तक करना है। आप दैट शुड बी द पार्ट ऑफ योर हैबिट, पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये हैबिट बन जाना चाहिए कि मुझे अच्छा इंसान बनना है तो ये मेरी आदत है, मुझे प्योर सोल बनना है तो ये मेरी आदत है, मुझे सबको प्यार करना है तो ये मेरी आदत में है, ये मेरे ब्लड में है। इनर वर्क मतलब समथिंग शुड बी कम इन योर ब्लड, वाकई खून में आ जाना चाहिए कि मुझे सबसे प्यार करना है, डिवाइन को सरेंडर, डिवाइन से प्यार करना है, यूनिवर्स से प्यार करना है, सोसाइटी से प्यार करना है, ठीक है, मुझे प्योर सोल बनना है, ये आपके ब्लड में आ जाना चाहिए। जब कोई चीज़ आपके ब्लड में आ जाएगी, फिर डिवाइन टाइमिंग जब होगा तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपके डीएम को पुश करेगा कि जाओ, दैट पर्सन इज योर एक्चुअल लव। तो प्लीज़, आपको समझ में आ गया होगा, जेलसी की बिल्कुल फीलिंग मत रखिए। अगर ये इशू है, जिसके भी हो वो निकाल दीजिए, बिल्कुल आराम से बिंदास रहिए, कहाँ जाएगा वो, राइट। ये था एक क्वेश्चन मुझे आया था एंजल नंबर पे भी कि मैम रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं 15 15 17 17 16 16। मैं इस पे भी वीडियो बना चुकी हूँ, चलिए थोड़ा सा न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको फिर थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। देखिए क्या होता है कि बिगनिंग में आपको इन द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी जो आपको नंबर्स दिखते हैं उन पे आपको ध्यान देना चाहिए। जब आप ट्यून हो जाते हैं इस जर्नी पे तो फिर आपको समटाइम्स नेगेटिव एंटिटी भी आपको डिस्टर्ब करते हैं कि आप इतना कंफ्यूज हो जाओ कि आप अपनी जर्नी पे चलो या आप नंबर में फंसे रहो। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री क्या होता है कि हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये केयर करना है कि हमें मैक्सिमम, आपने दिन भर में अगर बहुत सारे ऐसे नंबर देखे हैं ज्वालिटी वाले से 16 16 17 17 लाइक दिस, तो कौन सा नंबर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स दिखा है आपको, उस पे आप ध्यान दीजिए, उस पे आप फोकस करिए, बाकी सारे नंबर्स को इग्नोर करिए। अब सवाल ये उठता है कि नंबर दिख रहा है तो करें, तो करें क्या, ये मेरी अपनी पर्सनल टिप है आपको जो मैंने शायद अपने पिछले वीडियोस में भी नहीं दी, और जो मैं शायद दी है या मैं कर जो मैं फॉलो करती थी। आई ऑलवेज गिव द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस। मैं डार्क फोर्सेस भी मुझे परेशान करते थे तो भी मैं उनका काम उल्टा कर देती थी। कैसे करती थी, लेट मी गाइड यू। अक्सर ऐसा होता था मेरे साथ कि मुझे 12 12, फिर 13 13, क्योंकि हमारे नंबर जो घड़ी में है वो 14 15 के हिसाब से, तो 15 15 16 16 17 17 दिखाई दे रहे थे। एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जिस टाइम घड़ी पर मोबाइल को देखूं उस टाइम पर वही टाइम हो रहा है। इवन जब मैं आज वीडियो बनाने आई थी तो 13 13 का टाइम हो रहा था। तो मैं क्या करती थी उस टाइम पे कि अब ये चाहे यूनिवर्स नंबर दे रहा हो चाहे डार्क फोर्सेस नंबर दे रहा है, ये तो हमको समझ में आएगा नहीं। मैं उस टाइम पे पॉजिटिव रहती थी कि मेरे एंजल्स मेरे पास हैं। मैं ये अज्यूम करती थी कि मेरे एंजल्स मेरे पास हैं, एंड ऑफ कोर्स गार्डियन एंजल्स हमेशा आपके साथ होते ही होते हैं, राइट। जितने बार मुझे नंबर दिखे आई जस्ट प्रे, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड मुझे इस जर्नी पे लाने के लिए, थैंक यू गॉड मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू गॉड। मैं हर बार थैंक्स करती थी तो ये नंबरों ने मेरी जर्नी और ईजी कर दी। देखो जितने बार दिखना देखो मैं उतने बार यूनिवर्स को थैंक्स करूँगी। अब देखो मुझे तो ये डार्क फोर्सेस का काम ही मैंने उल्टा कर दिया था। जितने बार 13 13 दिख रहा है थैंक यू यूनिवर्स, 14 14 दिख रहा है थैंक यू यूनिवर्स, जितने बार नंबर दिखते हैं थैंक यू, थैंक्स करिए, प्रे करिए, व्हाटएवर यू वांट यू मैनिफेस्ट करिए।
आपको दिख रहा है उस नंबर क्या दिख रहा है उस पर मत जाइए। आप अगर वो आपको पैटर्न नंबर दिख रहा है तो आप उस पर प्रे करिए, गॉड को थैंक्स करिए, मैनिफेस्ट करिए, डार्क फोर्सेस का काम ही उल्टा कर दीजिए। तो ये मेरी टिप थी जो मैंने आज तक कभी किसी को बताई नहीं, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। और कोई क्वेश्चन था? हाँ, एक क्वेश्चन कुंडलिनी पे भी था चित्राशी जी का, हाँ, पर वो बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो कुंडलिनी पर ही बनाने वाली हूँ। तो आज इस इम्पॉर्टेंट मैसेज पे प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, मदर अर्थ के लिए प्लीज़ मेडिटेशन करिए, ताकि आप लोगों की एनर्जी से ये जो महामारी आई हुई है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। इसी के साथ थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ़ यू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माई नेक्स्ट अपडेट्स। अपना ध्यान रखिए, सबसे पहले खुद का ध्यान रखिए, अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा सैनिटाइज रखिए, बिल्कुल हाथ धो के ही हर काम करिए, फूड खाना खाइए, कोई भी घर में आपके आ रहा है जा रहा है बिल्कुल आप टच हैंड शेक मत करिए, नमस्ते करिए, और अलर्ट रहिए, आप जहाँ भी जा रहे हैं अलर्ट रहिए। सेफ्टी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, अपना ध्यान रखिए और हमारी सोसाइटी के लिए, यूनिवर्स के लिए प्रेयर करिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।